क्या बात क्या बात, बोले तो एकदम झकास। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट रे, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें आपको चार अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगी और ये बेस्ड है सत्यजीत रे सर की शॉर्ट स्टोरीज पर। लेकिन ये शो कैसा है उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहूँगा, किसी को जवाब देना चाहूँगा। वो है हमारे मल्लू अंकल, इनका यूट्यूब में चैनल है, ये एक रिव्यूअर है, लाख के ऊपर इनके सब्सक्राइबर है, लेकिन एकदम चूतियाबंती वाली बातें करते हैं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन इनका ओपिनियन एकदम ही घटिया लगा मुझे। फर्स्ट स्टोरी देखकर इन्होंने वीडियो बना दिया क्योंकि इनको व्यूज़ चाहिए था, लेकिन वो स्टोरी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी इन्होंने हगाया अपने वीडियो में। मतलब इनको प्रेडिक्टेबल लगा, यार तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि यार तुम बोलने क्या वाले हो। सीरियसली तुमको ना रिव्यूअर नहीं होना चाहिए, तुमको एक डायरेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी बातें छोड़ते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको खुद शुरू कर देना, अपनी तरह से मूवीज़ और वेब सीरीज बनाओ, देखते ना कि तुम कितना पानी में हो। यार किसी को क्रिटिसाइज़ करना आसान होता है, लेकिन खुद से वही सेम चीज़ करना अच्छी तरह से बहुत ही मुश्किल होता था। यार मल्लू अंकल सुधर जाओ। खैर अब हम लोग बात करेंगे शो की। पहली स्टोरी है अली फजल की। अब वो जो कैरेक्टर निभा रहे वो भूलने लगता है, अब वो क्यों भूल रहा है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको फर्स्ट स्टोरी देखनी पड़ेगी। एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो ट्विस्ट है और जिस तरह से उसको शूट किया है, भाई किसी का बाप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और वन ऑफ दी बेस्ट स्टोरी लगी मुझे इन चारों कहानियों में से, सेकंड स्टोरी है भाव रुपया, जिसमें हमें नज़र आते हैं के मेनन सर, वन ऑफ दी लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। के मेनन सर के लिए तो इतने बोलूँगा, सर आप किसी भी मूवी में हो, शॉर्ट मूवी में हो, किसी वेब सीरीज में हो, हम आपको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि आप उन एक्ट्रेस में से एक हो जिनको एक्टिंग आती है, लेकिन फिर भी आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कम है और वो स्टार किड्स के फॉलोअर्स ज़्यादा हो हमको पता है, लेकिन मैं आपको बहुत मानता हूँ और कभी लाइफ में मुलाकात होगी, अगर मौका मिले किसी एक्टर से मिलने का तो आपसे मिलना चाहूँगा। यार मज़ा आ गया आपको देखकर। और ये जो स्टोरी है, इतना सा बता दूँ कि इनका जो कैरेक्टर है, इनकी सोसाइटी में कुछ खास वैल्यू नहीं है और कुछ भी इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, ये अपने मेकअप के जरिए किसी को भी बदल सकते हैं। अब उसके बाद इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये डार्क भर रुपया स्टोरी देखने मिलेगी। ये स्टोरी अपने आप में एक मूवी बनने का माध्यम रखती है, और अगर इस पर एक मूवी बनी ना फुल फ्लेज, और उसमें अगर आप के मेनन को लो ना, तो हॉलीवुड में जो मूवी बनी थी ना जोकर, एकदम उसको टक्कर देगी। ये स्टोरी जहाँ पर ख़त्म हुई ना, वहाँ से मैंने सोचा था कि यार थोड़ा और होती तो मज़ा आया था। तीसरी स्टोरी है मनोज बाजपेयी सर और गजराज राव की। ये दोनों अपने आप में इंस्टीट्यूट है भाई एक्टिंग के, और ये कहानी बिल्कुल मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा हंसाएगी, बहुत ज़्यादा आपको कुछ अलग भी दिखाएगी और मज़ा आ जाएगा। मतलब आप सोचोगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहानी ये है कि मनोज बाजपेयी का नाम है यहाँ पर मुसाफर अली, जो कि ये शायर है, और ये भोपाल से दिल्ली या दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं, और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है गजराज राव के कैरेक्टर जेंगा पहलवान से। और उसके बाद इस सफ़र में उनके साथ क्या कुछ होता है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको थर्ड स्टोरी देखनी पड़ेगी। आपको इतना बता सकता हूँ कि जो इसमें ट्विस्ट आने वाला होता है ना, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। और जिस तरह से मनोज बाजपेयी सर ने और गजराज राव ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है, लिटरली आप उनके कायल हो जाओगे। और जिस तरह से मनोज बाजपेयी सर ने यहाँ पर शायरी बोली है, यार ऐसा लगता है कि रियल में हम लोग किसी शायर को देख रहे हो। जो उनके एक्सप्रेशन थे यार कमाल है। मतलब नेटफ्लिक्स का अगर आप 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लोगे ना, वो 200 के अगर 1000 का भी ले लोगे, तो मनोज बाजपेयी सर के परफॉर्मेंस के सामने वो कुछ भी नहीं है भाई। आप कुछ नहीं दिए, 1000 भी कुछ नहीं दिए। और फोर्थ स्टोरी है कपूर, यानी कि हर्षवर्धन कपूर की। कहानी सिंपल सी है कि हर्ष यहाँ पर एक बॉलीवुड स्टार है, इनका नाम है विकी कपूर। ये कमर्शियली अच्छे स्टार है, मगर क्रिटिक्स इनकी भजा के रखे। बट कहानी में ट्विस्ट हुआ था जब विक की लाइफ में आती है एक गॉडेस, यानी कि गॉडेस वुमेन, एक देवी। अब उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फोर्थ स्टोरी देखनी पड़ेगी। मैं इन चारों कहानी के बारे में एक ही चीज़ बोलूंगा कि चारों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन येट उनको बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि मज़ा आ गया। इस तरह की एंथोलॉजी सीरीज हमारे इंडिया में बननी चाहिए। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यार मैं शर्त लगाता हूँ, चारों स्टोरी की सिनेमेटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, उनको जिस तरह से शूट किया, जो लाइटिंग का यूज़ किया, भाई आप को अलग एक्सपीरियंस होगा। BGM की बात करूंगा तो यार BGM येट फिर से मज़ा आ गया। कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, यानी कि इतने छोटे वक्त में भी आपको उस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार सभी लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी किसी भी एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी तरह से उन्होंने सत्यजीत रे सर की स्टोरीज को जस्टिस दिया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, ये अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 9/10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइन ऑफ।